नमस्कार, जनप्रभात सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी तीसरी बार बनी बंगाल की मुख्यमंत्री। सादे समारोह में राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने दिलाई शपथ। कोरोना के चलते अन्य राज्य के सीएम या राजनेता को नहीं भेजा न्योता। ममता बनर्जी कैबिनेट के अन्य मंत्री बाद में लेंगे शपथ। नंदीग्राम में दोबारा मतगणना और आरोपों पर चुनाव आयोग ने दी सफाई। का रिटर्निंग अफसर का है पुनर्मतगणना का अधिकार। पश्चिम बंगाल बवाल से डरकर असम भागे 400 भाजपा कार्यकर्ता। असम सरकार में मंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने किया दावा। पश्चिम बंगाल बवाल को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने जताया रोष। का आत्मरक्षा के अधिकार का उपयोग करें डरा हुआ हिंदू समाज। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने बंगाल बवाल की जाँच के दिए आदेश। बवाल की घटनाओं को लेकर सरकार से तथ्यात्मक रिपोर्ट सौंपने को कहा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बंगाल में नवनिर्वाचित विधायकों को किया संबोधित। कहा बंगाल में अराजकता के साथ मिलकर लड़ेंगे लड़ाई। मोदी जॉनसन शिखर बैठक में 1 अरब पाउंड के व्यापार निवेश की घोषणा। दोनों देशों के बीच व्यापार को दोगुना करने का रखा गया लक्ष्य। भारत ब्रिटेन ने दी रणनीतिक साझेदारी के लिए रोड मैप 2030 को मंजूरी। तकनीकी, दूरसंचार, ऊर्जा और दवाई समेत अन्य क्षेत्रों में बढ़ेगी साझेदारी। शिखर सम्मेलन में उठा विजय माल्या नीरव मोदी के प्रत्यर्पण का मुद्दा। पीएम मोदी ने की सुनवाई के लिए जल्द भारत भेजने की अपील। पीएम मोदी के साथ शिखर सम्मेलन के बाद जॉनसन ने दिया बयान। बोले दोनों देशों के बीच संबंधों के नए युग की होगी शुरुआत। उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत ब्रिटेन समझौते ETP का किया स्वागत। बोले नई भागीदारी से देश में 20,000 से ज्यादा रोजगार होंगे सृजित। ऑक्सीजन की कमी से मरीज की मौत पर भड़का इलाहाबाद हाईकोर्ट। कहा मरीजों की मौत आपराधिक कृत्य, ये नरसंहार से कम नहीं। ऑक्सीजन किल्लत पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई का 15वां दिन। अदालत के शो कॉज नोटिस पर जवाब देगी केंद्र सरकार। कोरोना संकट के बीच हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को दिया जांच का आदेश। पूछा नेताओं को कहां से मिल रहा है रेमडेसिविर इंजेक्शन। देश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 3,82,000 केस आए सामने, जबकि इस दौरान 3,783 मरीजों की गई जान। देश में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 2,06,00,000 के पार पहुंचा। 2,26,000 लोगों की गई जान, 1,69,00,000 हुए ठीक। महाराष्ट्र समेत 12 राज्यों में कोरोना के हालात बेहद गंभीर। कुल संक्रमितों में 81% है इन राज्यों की हिस्सेदारी। संकट के बीच गुजरात से दिल्ली आई एक और ऑक्सीजन एक्सप्रेस। अस्पतालों को मिली राहत, रेल मंत्री ने दी जानकारी। दिल्ली में 3 दिन में 72,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना को दी मात। संक्रमण के 64,000 मामले आए सामने, सुधर रहे हालात। कोरोना महामारी की स्थिति को लेकर एक रिपोर्ट में किया गया दावा। देश में 6,09,000 मरीजों को ऑक्सीजन की हो सकती है जरूरत। हैदराबाद के जू में कोरोना के लक्षण दिखने के बाद हुआ शेरों का टेस्ट। RT-PCR रिपोर्ट में 8 पॉजिटिव। सर्दी, जुकाम, खांसी के साथ घटी भूख। भाजपा के राज्य सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने पीएम मोदी से की मांग। का पीएमओ के भरोसे बैठना बेकार, गडकरी को सौंपे कोरोना की कमान। भारत में कोरोना की स्थिति पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान। का संक्रमण को लेकर हो रही राजनीति दुखद, ऐसा नहीं होना चाहिए। अमेरिका में 12 से 15 वर्ष के बच्चों को भी टीका लगाने की तैयारी। अगले सप्ताह मिल सकती है मंजूरी, CDS से की सिफारिश। मुंबई नगर निगम को देर रात मिली कोरोना वैक्सीन की 1,00,000 डोज। 45 साल से ज्यादा उम्र वालों को टीका लगाने में होगी इस्तेमाल। कोरोना के चलते ओडिशा में आज से 14 दिनों का संपूर्ण लॉकडाउन। संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए सीएम नवीन पटनायक ने लिया है फैसला। PHU अस्पताल में लापरवाही की शिकायत पहुंची स्वास्थ्य मंत्रालय। ऑडियो वीडियो से की गई शिकायतों का प्रशासन ने लिया संज्ञान। PHU अस्पताल की लापरवाही से धूमिल हो रही प्रशासन की छवि। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन में हो रही है सबसे ज्यादा मौतें। भाजपा शासित नगर पालिका पर सांसद तेजस्वी सूर्या ने साधा निशाना। का अधिकारियों को रिश्वत देकर मिल रहा है अस्पतालों में बेड। आंध्र प्रदेश में मिला कोरोना वायरस का एक और नया स्ट्रेन। वैज्ञानिकों का दावा मौजूद वायरस से 15 गुना ज्यादा खतरनाक। दिल्ली में DTC क्लस्टर बस सर्विस का डिप्टी मैनेजर गिरफ्तार। नकली रेमडेसिविर बेचने का आरोप, 7 इंजेक्शन बरामद। पंजाब CM अमरिंदर सिंह ने केंद्र से की टीके का आवंटन बढ़ाने की मांग। बोले राज्य में टीके की बची 50,000 से भी कम खुराक। कोरोना के बढ़ते मामले से छत्तीसगढ़ में बड़ी लॉकडाउन की अवधि। कलेक्टरों को छूट के साथ 15 तारीख तक बढ़ाई पाबंदियां। भारत और EU ने की अफगानिस्तान में तत्काल संघर्ष विराम की अपील। एस जयशंकर बोले देश में बनाए शांति प्रक्रिया का अनुकूल माहौल। ट्विटर अकाउंट सस्पेंड होने के बाद कंगना के समर्थन में उतरा कू। कहा घर जैसा है देसी सोशल मीडिया कू, बाकी सब किराए का है। अनिल देशमुख ने एंटीलिया मामले में परमवीर सिंह पर लगाया आरोप। बोले विस्फोटक सामग्री मिलने के मामले में परमवीर सिंह की भूमिका। झारखंड CM हेमंत सोरेन ने संजीवनी वाहन का किया शुभारंभ। बोले प्रदेश में मरीजों को ऑक्सीजन मिलने में होगी आसानी। मंगलवार देर रात हुई UP में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना। स्वतंत्र देव सिंह बोले 918 सीटों पर भाजपा ने जीता पंचायत सदस्य चुनाव। अखिलेश यादव ने नतीजों को बताया भाजपा की नाव डूबने का संकेत। बोले गांव में तीसरे इंजन की सरकार बनाने का सपना हुआ चकनाचूर।
यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने भी किया बड़ी जीत का दावा। बोले 389 सीटों पर पार्टी समर्थित उम्मीदवारों ने दर्ज की जीत। दूरसंचार विभाग की कंपनियों के 5G परीक्षण को मिली मंजूरी। परीक्षण में चीनी प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने की रहेगी मनाही। राज्यों में लगाए जाएंगे 581 PSA चिकित्सा ऑक्सीजन संयंत्र। गडकरी बोले काम पूरा करने के लिए NHAI होगी नोडल एजेंसी। गहलोत ने युवाओं के निःशुल्क टीकाकरण के लिए केंद्र से मांगा सहयोग। बोले समाज सेवी और आर्थिक रूप से संपन्न लोग भी करें सहयोग। SBI ने ग्राहकों को ठगों से सतर्क रहने के लिए जारी की सलाह का किसी के साथ साझा न करें संवेदनशील जानकारी। केंद्रीय मंत्री सदानंद गौड़ा ने लिया दवाओं की उपलब्धता का जायजा। बोले जरूरी दवाओं की उपलब्धता पर नजर बनाए हुए है सरकार। यात्रा करने वाले स्वास्थ्य लोगों के लिए खत्म हो सकती RT-PCR जांच। ICMR ने केंद्र को दी बोझ और खर्च करने की सलाह। तरल ऑक्सीजन लेने के लिए INS कोलकाता पहुंचा कुवैत। अन्य चिकित्सीय सामान की खेप लेकर भारत होगा रवाना। टाटा स्टील ने 1000 टन की ऑक्सीजन आपूर्ति की दैनिक सीमा। सेल ने भी दैनिक ऑक्सीजन आपूर्ति को बढ़ाकर किया 1100 मीट्रिक टन। दिल्ली यूपी से लेकर बिहार तक आज मूसलाधार बारिश के आसार। मौसम विभाग ने आंधी आने की भी जताई संभावना। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रभात। नमस्कार।